bank increased the rate of profit from 3.5% to 4% per annum. Find how much more profit Sahil would receive if he deposit ₹6,400 in the bank for 6 months at the new profit rate. So, find करना है कितने ज़्यादा कहते हैं bank का जो profit rate है, जो percentage profit है या वैसे rate कहते हैं वो increase हो गया है किससे 3.5 से 4% तक. अच्छा find नहीं करना है कि कितना ज़्यादा profit मिलेगा. Rate जब increase हुआ है 3.4 से 4% तक, तो सईद एक बंदे ने, सईद इसका नाम है, से डिपॉजिट करवाए ₹6,400 इन अ बैंक फॉर 6 मंथ्स, एक बैंक में 6 महीनों के लिए. तो उसे कितना ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा जब रेशो 3.5 से 4% तक इंक्रीज कर गई है. तो सबसे पहले लिखेंगे प्रिंसिपल. प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट क्या है हमारे पास? 6,000 और है 6,400. सेकेंड थिंग जो हमें गिवन है इसका अनपेबल है टाइम, जो फिक्स रहेगी. पहले वो चीज़ें लिखें जो फिक्स रहेंगी. टाइम कितना गिवन है हमें? 6 मंथ्स. सिक्स मंथ, लेकिन हम मंथ्स में नहीं यूज करते, हम किसमें करते हैं? ईयर्स बनाने के लिए क्या करेंगे? 6/12 ईयर्स, जो कि किसके बराबर है? 6/12 ईयर्स, 6 × 6 = 12. तो टाइम क्या आ जाएगा हमारे पास? जो फॉर्मूले में हम पुट करेंगे वो है 1/2 ईयर्स. ठीक, ईयर में टाइम कन्वर्ट हो गया. अब आगे हम दो कंडीशन बना लेते हैं. एक कंडीशन बना लेते जब रेट क्या था 3.5% और उसका प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे, और सेकंड में जब रेट 4% होगा तो उसका प्रॉफिट फाइंड कर लेंगे. तो कंडीशन वन में क्या लिख रहे हैं? जब रेट क्या है? रेट इज इक्वल टू, रेट क्या है हमारे पास? 3.5. रेट क्या है? 3.5. तो फार्मूले, प्रॉफिट के फार्मूले में पुट करेंगे. प्रॉफिट का फार्मूला था, जो फर्स्ट फार्मूला लिखवाया था फार्मूला में, वो था प्रिंसिपल, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम डिवाइडेड बाय 100. तो प्रिंसिपल क्या होगा? 6,400. रेट क्या है हमारे पास? 3.5. टाइम क्या है? टाइम है 0.5 से 1 या इनटू 1/2, और नीचे डिवाइड किसे कर रहे हैं? 100 से. ये 100 कैंसिल हो जाएगा इसके साथ. 2 1s are 2, 2 3s are 6 एंड 2 2s are 4. तो प्रॉफिट आ जाएगा हमारे पास 32 × 3.5, ये बन जाएगा हमारे पास RS 112. तो प्रॉफिट क्या आ गया जब रेट था, जब रेट 3.5, तो प्रॉफिट क्या आ गया हमारे पास? 112. अब कंडीशन टू में लिखा है फाइंड करेंगे जब हमारे पास टाइम, तो यही रहेगा टाइम, यही रहेगा, लेकिन रेट क्या हो जाएगा? 4. तो कंडीशन टू बना लेंगे इसके आगे. दोनों कंडीशन में जो डिफरेंस आएगी, जो प्रॉफिट की डिफरेंस आएगी, वो कहेंगे उसको उतना फायदा होगा. इसका प्रॉफिट, फर्स्ट प्रॉफिट आ गया, ठीक है हमारे पास. इसको साइड पे लिख दो 112, फर्स्ट प्रॉफिट जो आया हमारे पास. कंडीशन टू उसी के आगे इसका कंटिन्यूअस सवाल. कंडीशन टू में रेट क्या है हमारे पास? रेट है इज इक्वल टू 4%. रेट है हमारे पास 4%. कंडीशन टू रेट इज इक्वल टू 4%. तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यूज करेंगे. प्रॉफिट क्या होता है? प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट मल्टीप्लाई बाय टाइम इनटू 100 डिवाइडेड बाय 100. तो प्रिंसिपल की कितनी थी हमारे पास? 6,400 बेसिक जो अमाउंट थी. रेट क्या आ गया? 4. ये 4 क्या आ गया? रेट आ गया. टाइम क्या आ गया हमारे पास? 1/2 और नीचे 100. 0 0 से 0 0 से कैंसिल. 2 1s are 2 एंड 32. 32 4s are 128. प्रॉफिट क्या आ गया हमारे पास? 128.
प्रॉफिट आ गया 128, ये क्या आ गया कंडीशन टू का प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट विद कंडीशन टू, सेकंड कंडीशन प्रॉफिट आ गया, तो एडिशनल अमाउंट ये क्या आ गया मतलब सेकंड प्रॉफिट आ गया सेकंड, ठीक है सेकंड कंडीशन का प्रॉफिट आ गया। अब एडिशनल अमाउंट फाइंड करनी है हमने, क्यों सवाल के अंत में कहता है स्टार्ट सॉरी कहता है अ बैंक इंक्रीज द रेट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 3.5 टू 4%, फाइंड हो मच मोर प्रॉफिट, तो हो मच मोर प्रॉफिट के लिए हो मच मोर प्रॉफिट लिख लेंगे फॉर या मोर प्रॉफिट, कितना मोर मोर प्रॉफिट लिख देते हैं मोर प्रॉफिट साइड गेन साइड वुड रिसीव किसके बराबर है, मोर प्रॉफिट सईद वुड रिसीव, जो सईद रिसीव करेगा वो होगा सेकंड प्रॉफिट माइनस फर्स्ट प्रॉफिट, तो ये क्या आ जाएगा सेकंड प्रॉफिट है 128 माइनस 112, तो ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 16 रुपीस आरएस 16, तो एडिशनल प्रॉफिट या मोर प्रॉफिट सईद इसके साथ ये दोबारा से लाइन लिख देंगे जैसे ये लिख रहे हैं, तो ये हमारा क्या होगा जवाब होगा कि आर एस 16 क्या है मोर प्रॉफिट सईद वुड रिसीव, जो रिसीव सईद रिसीव करेगा वो प्रॉफिट।